मुंबई एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मुंबई एक्सप्रेस से शिवसेना के जो कार्यकर्ता है और जो आज बताने वाले हैं आज का जो मोर्चा था और जो भारत बंद का जो आज जो आश्वासन दिया है उनके बारे में सर आप कुछ कहना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान का किसान आज बॉर्डर पर लड़ रहा है केंद्र सरकार के विरोध में। उन्होंने जो नियम डाले हैं कि उसके विरोध में लड़ रहे हैं और उससे किसान का भी प्राइवेटीकरण होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ गया है और वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए किसान लड़ रहे हैं, उसके समर्थन में मुंबई में गोरेगांव के विधानसभा क्षेत्र से सभी पक्षों ने भाजपा के अलावा आज आंदोलन किया और रत्ना होटल पे बहुत बड़ा पैना में भी आंदोलन हुआ। उसमें सब समर्थन पक्षियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और सबका यही कहना है कि ये जो केंद्र सरकार है वो देश बेचने को जा रही है और इसका कारण पूरी छोटे से लेकर बड़े लोग तक खाली अदानी और अंबानी को छोड़कर सबको इसका नुकसान होने वाला है और ये सब जनता ने आज प्रकट किया। और इसके आगे जब तक ये सरकार नहीं सत्ता से उतर के तब तक हम इनके विरोध में आंदोलन चालू रखने वाले, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। सर आज का जो रिस्पांस है आपको मिला है रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस मिला है आज? देखो आज मुंबई में एक गोरेगांव में जो सभी पक्षों ने आंदोलन किया वो तो आप तो देख ही रहे थे, इसके लिए तो आप मुझसे बाइक ले रहे क्योंकि ये आंदोलन कम से कम 500-600 इधर कार्यकर्ता सभी पक्षों के इकट्ठा हुए थे और उसमें महिलाओं भी बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुई थी और सब लोग ने अपने जो विचार रखे हैं उसमें पत्रकार लोग भी थे, हमारे पक्ष के प्रमुख लोग थे, इतर पक्ष के संविधान के प्रमुख लोग थे और सभी ने अपने अपने अच्छे विचार इधर दिए और आगे आंदोलन चालू रखने का एक ऐलान किया कि हम ये सत्ता के विरोध में केंद्र सरकार के विरोध में हम हमेशा आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये सत्ता से उतरेंगे। सर मुंबई एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आगे के जो जो भी आप लोग जो करने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। वेलकम।